हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मेरा टॉपिक ये है कि आज मैंने मेरी गाड़ी में जो है सीएनजी इंस्टॉल करा है, तो मैं आपको आज इसके बारे में सारे इन्फॉर्मेशन दूंगा कि सीएनजी में क्या होता है, कैसे प्रोसीजर है, इसमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान। तो शायद से ही कुछ होगा, फ़ायदा ही बहुत है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और जहाँ से भी मैंने इंस्टॉल करा है, मैं उसका जो लोकेशन है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगा। तो ठीक है भैया, ये क्या है, ये प्लग का वायरिंग है। अच्छा, वो स्विच है ना पेट्रोल और सीएनजी को कन्वर्ट करने के लिए। तो ये जो है, ये जो मैकेनिज्म, वो पेट्रोल और सीएनजी को कन्वर्जन करने के लिए, मतलब कि जैसे समझो कि सीएनजी में जो गैस है अगर वो ख़त्म हो गई तो पेट्रोल में ही ऑटोमेटिक स्विच कर देगा। और ये जो आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ से हमें गैस फिलअप करवाना है। यहाँ से गैस फिलअप ही होता है ना भैया, यहाँ से गैस फिलअप होता है। और ये जो है, ये 10 kg की यहाँ पे टैंक लगी है इसमें। मैंने जो टैंक लगवाई है वो कंपनी है लोवाटो, ये 10 kg का टैंक है। और ये जो है, हाल फिलहाल इसमें जो है, ये लोवाटो का प्रोग्रामिंग चल रहा था। सॉरी, ये लोग लैपटॉप लेके चले गए। तो यहाँ पे जो है, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका इंडिकेटर दिया हुआ है। तो बेसिकली इसमें ऐसा, सबसे पहले गाड़ी जो है वो पेट्रोल में शुरू होती है और आधा किलोमीटर जाने बाद ऑटोमेटिक सीएनजी में कन्वर्ट हो जाती है। तभी जो है इसका फिटिंग का काम चल रहा है। ये जो है, ये इसका सॉफ्टवेयर का है, तो जहाँ से सब कुछ कंट्रोल होता है। ये जो है, मैंने बीएम मोटर से डलवा है। ये जो बीएम मोटर है वो ओढ़व के साइड अवेलेबल है। ये इसका जो लोकेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी कंपनियाँ ये सीएनजी प्रोवाइड करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये लोवाटो, बीआरसी गैस इक्विपमेंट, टोमेस्टो मेड इन इटली एंड एचआर यूरोपियन स्टैंडर्ड। तो ये जो सभी जो चार कंपनियाँ आप देख सकते हैं, ये ब्रांडेड कंपनी है और ये सभी की सभी सीएनजी किट प्रोवाइड करती है। पर अब ये जो सीएनजी किट के अंदर जो भी प्रोडक्ट, जैसे कि जो भी चीज़ें लगती है, वो सबका लगभग सेम है और थोड़ा बहुत अलग है। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आप देख सकते हैं, ये जो है ये इंडिकेटर है और ये जो है इसका प्लग सिस्टम है। ये जो है इसका सॉफ्टवेयर है, जहाँ से सॉफ्टवेयर पूरा कंट्रोल होता है कि कौन सीएनजी में कब कन्वर्ट करना है, वापस पेट्रोल में कब कन्वर्ट करना है। ये जो है इसका प्रेशर पंप है और ये जो है स्विचेस है जिससे वो कन्वर्ट होता है पेट्रोल और सीएनजी में। और ये जो आप देख सकते हैं, ये इसका मीटर है। और उसके बाद ये जो आप देख सकते हैं, इसे मतलब कि गैस फिलअप करनी होती है। ये तो लोवाटो का हो गया। अब ये है, ये बीआरसी कंपनी का जैसे कि आप ये प्रेशर पंप देख सकते हैं, लगभग इसका और इसका सेम ही है। और ये जो प्लगिंग सिस्टम है, वायरिंग सिस्टम, वो भी सेम है, मीटर भी सेम है और साथ में जो गैस इंजेक्शन का है वो भी सेम है। और बस इसमें इसके स्विचेस भी सेम है और लगभग जैसे देखो सारी कंपनियों का सेम ही है। अब ये इस तरीके से जो है, जो गैस के टैंक अंदर इंस्टॉल होते हैं, ये 8 kg मतलब 50 liters, 10 kg मतलब 60 liters और 14 kg मतलब 70 liters। अलग अलग कार में अलग अलग टैंक इंस्टॉल किए जाते हैं। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, बीएम मोटर्स जो है वो यहाँ की काफ़ी फेमस मोटर जो है, जो बीएम मोटर्स है वो यहाँ पे काफ़ी फेमस है। और ये फर्स्ट जो सीएनजी है वो बीएम मोटर्स ने यहाँ पे लाया था। तो अभी ये यहाँ पे काफ़ी लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं और इसका जो भाव है वो जब जितना भी रेट वेट जो भी है वो काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी रिजनेबल भी है और ये लोग सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा देते हैं। ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने इतनी बड़ी पाइप लगाई है, तो जिससे जो एक गैस अंदर इंजेक्ट हो जाएगी।
इसका जो टोटल प्राइस लगा है सर, वो लगा है मुझे 59,000 रुपीज़। 59,000 रुपीज़ में पूरी की पूरी किट इंस्टॉल हो गई है। तो अभी ये जो किट लगाने का जो फ़ायदा है, वो अभी यहाँ के जो किट इंस्टॉलर है, जो भी जो है यहाँ पे के जो किट इंस्टॉल करते हैं, वो पूरा अभी हमें डिटेल में बताएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी गाड़ियों में जो है CNG लगते हैं। यहाँ पे समझो बेसिकली 3 से 4, मतलब रेगुलर इनकी 5 गाड़ियों का तो CNG इंस्टॉलेशन होता है। ये लोग काफ़ी फेमस है, ये CNG का मतलब इनके मास्टरी है BM मोटर्स की। ठीक है, रेट थोड़ा हाई है पर काम बढ़िया है इनका। अभी आप देख सकते हैं ये प्रोग्रामिंग करो भैया, अभी ये जो है गाड़ी की प्रोग्रामिंग होगी। चालू करो, बाकी ये टाइम को डायरेक्ट खाली करा दे। चालू करो हमारा आवाज डायरेक्ट ना, तो बंद पड़ी जाती है। भाई वो रिप्लेसमेंट आ गया, तो वो आ गया तो मारा फिलहाल लुवाट होगी मतलब ये रनिंग टेस्ट हो रहा है क्या? ચાલે CNG માં ચાલે બરોબર
બરોબર એના માટે રસ્તામાં ક્યારે એમ સમજી લો કે ફસાયા તો આ સોકેટ કાઢીને ગાડી રસ્તામાં બંધ થઈ ગઈ હોય, સેલ મારીએ છે, સેલ વાગે છે પણ ગાડી ચાલુ થતી નહીં, તો આ સોકેટ કાઢી લેવાનું અને આનીમાં જોઈન્ટ કરવાનું એટલે ગાડી ચાલુ થઈ જશે. પછી અહીંયા બતાવવા માટે આવતો ના ગેસમાં બી ચાલશે પણ અહીંયા બતાવવા માટે આવી જાવ. પાછા બોલો શું કરવાનું એનું? આ સોકેટ ખોલ નાખવાનું બરોબર અને આ સોકેટમાં જોઈન્ટ કરવાનું બરોબર. ગાડી બતાવવા માટે અહીંયા આવું કરો બરોબર બરોબર. સોકેટ વાયરિંગ આવો, વાયરિંગ કપાય નહીં એના માટે નીચે હોય સોકેટ ટુ સોકેટ વાયરિંગ બરોબર બરોબર. ઇન્જેક્ટર રીલ અહીંયા નાખેલી આવશે, એને શું કહેવાય? આ ઇન્જેક્ટર રીલ કહેવાય. ઇન્જેક્ટર રીલ રેલ રેલ ક્યારે ફરાકડા ના દસ હજારે આ એર ફિલ્ટર બદલાવાનું, પછી ટોટલ બોડી સર્વિસ કરાવવાની અને પ્લગ ને પ્લગ વાયર ચેક કરવાનું. 10,000 આટલું કરાવવાનું, ત્યારે ફટાકડા નહીં ફૂટો, કશું નહીં થાય બરોબર. રેગ્યુલર સર્વિસ કરાવતા રહેશો તો કશું નહીં થાય બરોબર. પછી નીચે જો ત્યાં વેપોરાઇઝર ત્યાં નીચે આવશે, પ્રેશર ગેજ ત્યાં નીચે આવશે, ECM આઈરિયો મેપ સેન્સર અહીં આવશે બરોબર બરોબર. આવી જાઓ અંદર લઈ જાઓ. મેઇન ચીજો અંદર બોલો. પછી જો આને ગમે ત્યારે ગાડી એવો વોશિંગ કરવા લો તો એને કહેવાનું કે એન્જિનમાં પાણીનો ફુવારો ના મારે ના મારે બરોબર. હા કેમ કે હવે આપણે બધા ઇલેક્ટ્રિક સ્પાર્ટ આવ્યા બરોબર, એની પછી પાણીમાં પલળશે તો એની ગેરંટી વોરંટી નહીં બરોબર. સારું હા બેસો. થોડુંક જોરથી બોલજો કાકા. પહેલો સેલ મારશું એટલે પેટ્રોલમાં વાગશે. હા એ સવાર સવારમાં ગાડી ઠંડી હશે. હા એટલે 1.5-2 કિલોમીટર સુધી પેટ્રોલમાં ચાલશે, ઠંડુ હોય ને એના કારણે બરોબર બરોબર. પછી ઓટોમેટિક ગાડી CNGમાં કન્વર્ટ થશે. 1-2 કિલોમીટર પેટ્રોલમાં ચાલશે બરોબર. પછી ઓટોમેટિક ગાડી CNGમાં કન્વર્ટ થશે બરોબર. CNGમાં આવી ગઈ બરોબર. આ લાલ હોય એટલે આપણે રિઝર્વમાં આવવા જોઈએ. રિઝર્વમાં બરોબર. રિઝર્વમાં 20-25 કિલોમીટરની ગણતરી રાખવાની. લાલ આવશે તો એ લાલ રેડ કલર કા હે ને? હા હા હા. ઓ ભી સમજ લો આપને રિઝર્વમાં. રિઝર્વમાં બરોબર. 25 કિલોમીટર ચાલે છે. 25 કિલોમીટર કી ગિનતી રખને કી બરોબર. જબ એસા હર રેડ આ જાવે તો બરોબર. ઠીક હે. એ લબક જબ હોના બંધ હો જાવે તો સમજ ને કે આપની ગાડી ગેસ મે આ ગઈ. અચ્છા. પેટ્રોલ કી લાઈટ ચાલી જાવે તો બરોબર. ઠીક હે બરોબર. હા उसके बाद समझ लो कि अपने को पेट्रोल में चलानी है. हाँ पेट्रोल बीच में स्विच दबा के अपने चला सकते. अच्छा बीच में स्विच दबाएंगे पेट्रोल में हो जाएगी. हाँ चला सकते बरोबर. उसके बाद अपने वापिस गैस में जाएगा. करनी हो तो कर सकते बरोबर बरोबर. ठीक है ऐसे आएगा. ठीक है. फुल करवाओगे तो यहाँ हरी लाइट आ जाएगी. ठीक है ठीक है. जैसे गैस यूज करोगे ऐसे ऐसे एक पॉइंट कम होता जाएगा. ठीक है ठीक है ठीक है. ओके बस हो गया. पीछे का सब जाएगा. अच्छा पीछे का बाकी है. आ जाओ आ जाओ. સમજ લો કે એ વાલ દિયા હુઆ હૈ બરોબર. બરોબર. દેખો કભી ભી એસા લગે કે અપની ગાડી મેં લીકેજ હૈ તો એ વાલ કો એસે બંધ કર લેને કા બરોબર બરોબર. ઓર ઇધર પે દિખાને કે લિયે આ જાને કા. હા બરોબર. હા એ ઓપન ઓપન બરોબર. હા ઓર એ ક્લોઝ બરોબર. એસે બંધ હોગા ઓર એસે ઓપન હોગા. ઠીક હૈ. ખુલા હોગા બરોબર. હા લીકેજ બીકેજ કભી ભી લગે તો આ જા બરોબર. ઓર કુછ સ્મેલ આયેગી કે ઇસમે? હા સ્મેલ આયેગી, થોડી થોડી સી સ્મેલ આયેગી. મતલબ સ્મેલ આયેગી ને થોડી થોડી બરોબર. હમ બરોબર. ઓર ખાડા ગડ્ડા હોય ગડ્ડા ગડ્ડા કમ કુદા ને કી કમ કુદા બોડી ફટ જાયેગી. અચ્છા જો બોડી આતી ને વો દુલાને કળા ને કા બોલા તા કળા. હા વો કળા નીચે ઇસકે આતા હે. વો અપને કો નીચે મુડ કે દેખના પડેગા પૂરા.
पड़ेगा ये जो ब्लैक कलर का है ना ये वाला वो कड़ा डाला हुआ है दोनों बाजू बरोबर हाँ और कुछ इसमें बस हो गया। अभी जैसे अगर इसमें फुल टैंक भरा है अपने तो फिर कितना किलोमीटर तक चलेगी समझ लो अपनी अपनी गाड़ी कितनी है पेट्रोल में कितनी एवरेज 17 देती है हाँ। तो उसकी लोडी एवरेज समझ लिखी है डबल, डबल डबल नहीं नहीं आधी आधी डेढ़ बरोबर 27-25 देगी बरोबर 27 देगी बरोबर बरोबर इसमें मतलब क्या ये आरटीओ में पासिंग कराने के लिए सीएनजी के लिए हाँ, ये वो एनओसी निकाला ना आपको हाँ, कोटेशन है हाँ, और सर्कुलर लेटर है बरोबर उससे बैंक का एनओसी दे देगी अच्छा और एनओसी और तीन डॉक्यूमेंट ये आपका बिल मतलब ये बिल है बिल ये अपना बिल है पासिंग हो जाए बाद इंश्योरेंस में ऐड करवाने के लिए बिल जरूरी होगा ठीक है मुझे आपको आरसी बुक देनी है ओरिजिनल इंश्योरेंस का जरूरत अच्छा ओके 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 ठीक है भैया आपको एक कार्ड दे दो ना सो दोस्तों आई होप मैंने लगभग सारे इन्फॉर्मेशन कवर कर ली होगी तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना।